हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्राकू चैंपियन स्पोर्ट्स गुरुजी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल वुमेन एंड कुवैत वुमेन के बीच में होने वाले वुमेन टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर मैच की। तो फ्रेंड, यहां पर ये बता दूं मैं आपको कि आप इसमें प्लीज़ स्मॉल लीग ट्राई मत करना। मैं स्मॉल लीग की आपको बेस्ट टीम तो दूंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें ग्रैंड लीग ट्राई करो। ऐसे मैचों में आपको ग्रैंड लीग लगानी चाहिए, और यहाँ पर आजकल तो ड्रीम इलेवन में डेडलाइन पे यहाँ पर आप टीम एडिट कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर मैच से पहले आपको कहीं से ESPN जो इन्फो है वहाँ पर अगर आपको मैच से पहले इसकी प्लेइंग इलेवन आ जाती है तो आप टीम एडिट करके यहाँ पर अपनी ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ग्रैंड लीग ज़्यादा इसमें ट्राई करो, स्मॉल लीग में ज़्यादा ध्यान मत दो। स्मॉल लीग के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मैच आगे काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ पर आप स्मॉल लीग खेल सकते हो। ऐसे वुमेंस मैचों में स्मॉल लीग मत खेलो, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर चेंज हो जाते हैं वुमेंस मैच में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड, यहाँ पे आप ग्रैंड लीग ट्राई करना। और उससे पहले वीडियो शुरू हो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ पर कि मैं आपको सब मैचों के यहाँ पर प्लेइंग इलेवन है या आपको वीडियोज़ है आपको मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर पूरी हेल्प मिल पाए और आप यहाँ पर एक अच्छी विनिंग कर पाओ, अपना ड्रीम इलेवन में लॉस कवर कर पाओ। तो फ्रेंड, अगर यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक काम नहीं करता है तो आप राकू चैंपियन स्पोर्ट्स गुरुजी लिख के आप सर्च कर सकते हैं, ये मेरा चैनल है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। 1.1K सब्सक्राइबर है मेरे पास, तो आप इसमें सर्च करके मेरे टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको प्लेइंग इलेवन लास्ट टाइम पे अगर मिलती है प्रोवाइड करा दूँगा, अगर कुछ टीम न्यूज आती है तो प्रोवाइड करा दूँगा। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब फ्रेंड, बात करते हैं मैच के न्यूज़ की। तो फ्रेंड, पहले यहाँ पर पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो पॉइंट टेबल में आप देख सकते हैं फ्रेंड, नेपाल की टीम थर्ड नंबर पर आप चल रही है, 5 में से 4 मैच जीते हैं, खा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे अच्छी खासी टीम है फ्रेंड नेपाल की। यहाँ पर इनके स्पिनर बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर कुवैत की बात की जाए तो यहाँ पर 5 के 5 मैच हार रही है, बिल्कुल थर्ड क्लास टीम है। यहाँ पर आप उम्मीद ये करो कि जो आपका कम्बिनेशन होगा 1-3-3-4, तो आपका ये कम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब 1 विकेटकीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 4 बॉलर। तो फ्रेंड, आपको ये कम्बिनेशन के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा ऐसे वुमेंस मैच में। पॉसिबल 11 नेपाल की बात की फ्रेंड, जो पिछले मैच में थी यहाँ पे, तो फ्रेंड यहाँ पे केस रेस्टाइन की जो विकेटकीपर है ओपनिंग करने आती है, तो फ्रेंड पे ये ओपन करेंगे SR मागर के साथ। तो फ्रेंड, मागर यहाँ पे काफ़ी अच्छे यहाँ पर बैट्समैन है। उसके बाद फ्रेंड आई वर्मा यहाँ पे खेलती है, उसके बाद यहाँ पर रावल, बेलबासी और जो इनकी कैप्टन है, फिर अप्सरी बेगम काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्लेयर है फ्रेंड। उसके बाद SR मागर फ्रेंड बहुत ही अच्छे यहाँ पर प्लेयर है, और यहाँ पर ऑलराउंडर परफॉर्म इनका काफ़ी अच्छा रहता है। नरी थापा की बात की जाए तो फ्रेंड, जो सेकंड लास्ट मैच हुआ था उसमें 6 विकेट लिए थे इन्होंने, काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्लेयर फ्रेंड, और हर मैच में यहाँ पर 6-4-2 ऐसे कुछ विकेट ले रही है, तो आपके लिए कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर करुणा भंडारी है, कुंवर है एंड बिदरी है। तो फ्रेंड इसकी जगह यहाँ पर खड़का को भी मौका मिल सकता है इस मैच में। तो फ्रेंड नेपाल की पॉसिबल 11 जो लास्ट मैच की थी लगभग सेम ही रहेगी। तो फ्रेंड अगर कुवैत की पॉसिबल 11 की बात की जाए तो पिछले मैच में जो इनकी बॉलर है जाकी, इसको यहाँ पर ओपन उतार दिया था, हो सकता है कि इस मैच में ओपन किया जाए ओमार के साथ। वैसे ओपनर इनकी यहाँ पर पी मुरली यहाँ पर ओपनर हैं, और साथ में बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो फ्रेंड जिन प्लेयर्स पर मैंने यहाँ पर फ्लैम किया है मीन वो यहाँ पर की प्लेयर इस टीम की हैं। तो फ्रेंड उसके बाद तारिक है, हैदर है, जासवी है, गोमेज है, इरका इसाद है, महमूद है एंड यहाँ पे अशरफ है। तो फ्रेंड यह है कुवैत वुमेन की लगभग पॉसिबल 11, और कुवैत वुमेन के फ्रेंड आप इसमें ओनली 4 प्लेयर सेलेक्ट कीजिए एंड 7 प्लेयर यहाँ पे नेपाल वुमेन के सिलेक्ट होंगे इस मैच में। तो फ्रेंड बात करते हैं जो मैंने टीम बनाई है आप लोगों के लिए इस मैच में, तो आपको यहाँ पर टीम दिखा दूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पे पहले विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर में नेपाल की ऑप्शन अच्छा रहेगा, कैसेस्टा ओपन आती है, अगर कुछ 10-12 रन भी मार देती है तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मुराली को मैंने कुवैत की तरफ से लिया है, बिकॉज ये ऑलराउंडर फ्रेंड, इनको बैटिंग सेक्शन में दिया है, 2 या 3 ओवर निकाल देती है और साथ में यहाँ पर ओपन बैट्समैन आती है। उसके बाद फ्रेंड नेपाल की मैंने आई वर्मा को यहाँ पर रखा है फ्रेंड, काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्लेयर है। उसके बाद ली गोमेज को मैंने कुवैत की तरफ से एडजस्ट किया है, इनको मैंने टीम में रखा है। उसके बाद फ्रेंड अगर ऑलराउंडर की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने SR मागर को, हैदर को एंड नरी थापा, तो फ्रेंड मैंने इसको यहाँ पर रखा है। थापा फ्रेंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, 6 विकेट लिए थे फ्रेंड सेकंड लास्ट मैच में, और जो लास्ट मैच था उसमें भी 2 या 3 विकेट लिए थे, काफ़ी अच्छी है प्लेयर है।
बात की जाए फ्रेंड बॉलर की, तो बॉलर मैंने यहाँ पे एस मागर को लिया है, भंडारी को लिया है, जासवी को लिया है एंड कन्वर को लिया है। तो फ्रेंड मैंने इनका एज ए पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शॉट है जो काफ़ी अच्छे इनके यहाँ पर पॉइंट है, मैंने उस हिसाब से यहाँ पर प्लेयर अपनी टीम में सेलेक्ट कर लिया है। छेत्री को अपनी टीम में रख सकते हैं, पर छेत्री फ्रेंड पिछला मैच खेली नहीं थी तो इसलिए थोड़ा रिस्की भी हो सकती है, रेस्ट भी दिया जा सकता है इनको इस मैच में। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर नरी थापा को कैप्टन किया एंड एस आर मागर को मैंने वाइस कैप्टन किया है। तो फ्रेंड अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा चेंज करना है और ऑप्शन चाहिए तो और ऑप्शन है फ्रेंड यहाँ पे हैदर का भी अच्छा ऑप्शन है, इनको अपनी टीम में आप रख सकते हैं अगर कुवैत की बात की जाए। और अगर आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना तो एस मागर को रख सकते हैं, भंडारी को रख सकते हैं, साथ में फ्रेंड आप यहाँ पे मुराली को रख सकते हैं, मुराली और यहाँ पर ब्रह्मा को थोड़ा रिस्की रहेगी फ्रेंड। तो इस टाइप से आप कैप्टन वाइज कैप्टन का यहाँ पर थोड़ा चेंज करके या आप ऑलराउंडर में सिर्फ ये तीन ऑलराउंडर पिक करके चलो छः की छः टीम में, और यहाँ पर आप बॉलिंग या बैटिंग से कोई यहाँ पर चेंज करते रहो, छः टीम आप ऐसी बना लो फ्रेंड कोई एक प्लेयर यहाँ पर चेंज करके, तो फ्रेंड उससे भी आप ग्रैंड लीग आराम से विन कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छा चांस रहता है इन मैचों में, और आजकल तो प्लेइंग 11 के बाद यहाँ पर टॉस के बाद यहाँ पर ड्रीम इलेवन की ऑफिशियल टाइम के हिसाब से हो गया है, तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पर प्लेइंग 11 हमको दिख जाती है तो फ्रेंड मैं आपको टेलीग्राम चैनल में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।